अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो का किचन जी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी तो हर मज़ेदार होती है, लेकिन ये कि पकाने का अपना अपना स्टाइल होता है। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो है काले चने का सालन, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ हम उसे किस तरीके से बना रहे हैं। ये हमने लिए हैं काले चने 1.5 पाव। इसे मैंने 4 घंटे मीठा सोडा के 2 टीस्पून डाल के भिगो दिया था। उसकी वजह यह है कि जब हम मीठा सोडा डाल के पानी में चनों को भिगो देते हैं तो वो जब पकते हैं तो अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं और उससे सालन में फ्लेवर भी अच्छा आता है और बिल्कुल गले भी होते हैं। तो मैंने इनको 2 टीस्पून मीठा सोडा डाल के पानी में 4 घंटे भिगो के रखा था और अभी इन्हें धो के रख लिया है। ठीक है, 1.5 पाव चने हैं ये। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज। ये देखिए मोटी मोटी डलियों में काट के हमने रखने हैं, बहुत बारीक प्याज नहीं करेंगे, 3 अदद प्याज, क्योंकि ये इसमें प्याज ज़्यादा डलते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे लिया है 3 अदद इलायची है, इसमें बड़ी इलायची, और 3 टुकड़े हैं दालचीनी के। अच्छा, यहाँ हमने लिया है पिसा गर्म मसाला, जो कि हमने लिया है 1/2 टीस्पून। ये हमने ली है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने लिया है पिसा कटा हुआ धनिया थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। ये हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ हमने लिए हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अच्छा, यहाँ हमने लिया है नमक 1 टीस्पून, रंगीन लाल मिर्च हमने लिए 1 टीस्पून, पिसा धनिया लिया है 1 टीस्पून, और ऑयल मैंने लिया है 1/2 कप। और इसमें जो पानी जाएगा वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है 6 गिलास। अब हम इसे किस तरह से बनाएंगे हम आपको बताते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, आप अगर चाहे तो ये पतीली में भी बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पानी का बता दूंगी। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर में ही हमारे जो चने हैं ये हमने इसमें शामिल करने हैं, ये हमने धो के रखे हुए हैं। फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज जो कि हमने काट के रखी हुई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा, ये दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, और ये बड़ी इलायची है। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा काले चनों का। अच्छा, यहाँ हमने मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून। मैंने आपको बताया है कि आप मसाले जो हैं स्पाइसेस अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और ये रंगीन लाल मिर्च जो कि सिर्फ कलर देगी, इसकी तेज़ी नहीं होगी। ये हमने डाल दिया पिसा धनिया, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये जो 1/2 कप हमने ऑयल लिया हुआ है ये डाल देंगे। अब जो हम पानी हमने लिया हुआ है वो डालेंगे, 6 गिलास हमने इसमें पानी लिया है तकरीबन 1 जग। ये हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए। अच्छा, चने हमारे जो है बहुत अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि हमने मीठा सोडा लगा के रखे हुए थे। अगर आप बगैर भीगे हुए चने बनाते हैं तो उसमें आपके चने गलने में बहुत टाइम लगेगा। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी बनाता है वो नया होता है और जेंट्स हजरात को और बच्चियों को ये बात मालूम नहीं होती, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप पतीली में बनाएंगे तो उसमें ये होगा कि ये जो मैंने पानी डाला है ये आपको 6 से 10 गिलास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कुकर में ही बनाएं। ये हम प्रेशर कुकर जो है अब बंद करेंगे और चूल्हा ऑन कर देंगे और नॉर्मल हीट पे रखेंगे। ये हमने अब चूल्हा जला दिया है और मीडियम आंच कर दी है। अच्छा, तो इसे हम पकने के लिए रखेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, उससे पहले हम नहीं खोलेंगे और 20 मिनट तक हम इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको मेरी रेसिपी देख के समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं रोज़ाना वीडियो डालती हूँ, तो 20 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और हल्की आंच रखेंगे। 20 मिनट के लिए हमने इसे बंद किया था, अब हमने इसका वेट हटा दिया है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अच्छा, बच्चियों के लिए और मर्द हजरात के लिए मैं बात बताना चाह रही हूँ कि ये जब हम खोलते हैं तो इसकी एकदम से भाप बाहर निकलती है, तो इस चीज़ को बहुत एहतियात के साथ, हमें तो बहुत ज़्यादा पता है तो बड़े एहतियात के साथ इसे खोलना है कि आपके हाथों को भाप न लग सके। ये देखिए हमारे चनों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बाकी का जो पानी है
हमने 20 मिनट का इसलिए लगाया था कि अगर हम ज़्यादा टाइम का लगाते तो हमारे चने जल सकते थे। 20 मिनट लगाने का मकसद ये है कि बाकी का जो पानी है वो हम इस तरीके से खुला उसको भूनते हुए खुश्क करेंगे और इस तरह की डोई के साथ इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये जो जितने भी प्याज वगैरह बीच में थे ये बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब इसको हमें भूनना है अच्छे तरीके से। ये पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम पानी खुश्क होने के बाद इसको कम से कम 10 मिनट तक के लिए भूनेंगे। तो अब मैं इसे शामिल कर दूँगी क्योंकि ये भुनाई का टाइम है। मैं इसमें ऐसा गर्म मसाला जो मैंने नहीं डाला था अब शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने कसूरी मेथी जो कि उस वक्त नहीं डाली थी अब डालूंगी क्योंकि ये भूनते हुए इसकी खुशबू इसको बहुत अच्छी आ जाएगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, ये भूनते भूनते मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये चनों का जो सालन है ये हमारे ख़ास पंजाबियों की डिश है। हमारे यहाँ ये बहुत पसंद की जाती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनती है, बल्कि अमूमन सर्दियों में भी बन जाती है, इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो इसका जो शोरबा होता है वो बहुत ताकतवर होता है, ख़ासतौर पर अगर आपके यहाँ कोई मरीज़ है तो बिल्कुल मसाले लाइट कीजिए और ये पकाइए। इसकी ताकत बिल्कुल बकरे के गोश्त के शोरबे की ताकत के बराबर है। बहुत ही हेल्दी शोरबा इसका होता है। थोड़ा सा अगर आप रोटी के साथ खाएँ तो भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, चावल के साथ खाएँ तो भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम चने भून रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और ये इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे खुदा न खास्ता किसी को जॉन्डिस वगैरह हो जाता है तो ये सालन बना के देना बगैर लाल मिर्च के और ऑयल के, काली मिर्च के साथ आप ये बनाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ताकतवर है। शायद आपको मालूम होगा, आपने ये कहावत सुनी हो, हमारे बड़े कहते हैं, मेरे ससुर मेरी वालदा, कि चने जो है वो घोड़े खाता है। तो घोड़ा जो है वो कितना ताकतवर है इसका अंदाज़ा आप लोगों को होगा। तो मैं आपको चने के फ़ायदे इसलिए बता रही हूँ कि आप ये ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। तो अब ये है कि बाकी मैं इसको अब 10 मिनट के लिए भूनूंगी और उसके बाद हमें क्या करना है हम आपको बताते हैं। और भूनते हुए हमने इसकी आँच को हल्का करना है, तेज़ आँच पे नहीं भूनना है वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 10 मिनट के लिए मैं इसको अब भूनूंगी। चनों का सालन हमारा भून चुका है, देखिए ऑयल निकल आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं। ये देखिए हम आपको चेक करवाते हैं, बहुत गर्म है और इसलिए ये हमारे चने गल गए हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से। और इसमें प्याज वगैरह जो थे वो बिल्कुल देखें मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे जो हमने मोटे मोटे डाले थे, सारा मसाला यकजान हो गया है। अब हम इसे क्या अगर ज़्यादा भूनेंगे तो ये जल जाएगा, तो हमने हल्की आँच पे इसको 10 से 15 मिनट भूना है। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इस तरीके से खा सकते हैं, लेकिन हम चावलों के साथ पसंद करते हैं इसलिए हम इसमें 3 गिलास यानी आधा जग पानी का शामिल करेंगे इस तरीके से और इसे मिक्स कर देंगे। हमने चावलों के साथ खाना है तो हमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए और इसका शोरबा मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत ताकतवर बहुत टेस्टी होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं क्या करूँगी इसको पहले हमने 20 मिनट के लिए लगाया था, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए बंद करूँगी और वेट कर दूँगी और नॉर्मल आंच कर दूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा लगाया है वेट, उसके बाद हमारे चने तैयार हो जाएंगे, आपको दिखाएँगे। देखते हैं 10 मिनट हमने ये जो वेट लगाया था ये अब बिल्कुल देखें अभी भी भाप निकल रही है। थोड़ा अच्छे से जब भाप निकल जाए फिर इसे खोलना है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान भी है और बहुत ख़तरनाक भी है, तो आज बार बार मैं आप लोगों को इसलिए प्रेशर कुकर के बारे में बता रही हूँ। बहरहाल डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे बहुत एहतियात के साथ खोलेंगे। हमारा चनों का सालन जो है तैयार है, ऑयल निकल आया है। ये इतना शोरबा हमने इसलिए रखा है कि हमने ये चावलों के साथ इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हरा धनिया हमने रखा हुआ था, ये हम इसमें शामिल करके इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि धनिए की खुशबू इसमें आ जाए और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आँच पर रख दिया और अब डिश आउट करेंगे। हमारी काली चनों की डिश तैयार है, इसे देखिए बनाइए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बनाइए और इन्जॉय कीजिए। नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।